टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंब्रा बाईपास रेती बंदर के पास जहां से मुंब्रा बाईपास की शुरुआत होती है वहीं पर स्पीड ब्रेकर बनाया गया है जो काफ़ी खतरनाक तरीके से हो गया है, जो कभी भी हादसे इस स्पीड ब्रेकर की वजह से हो सकते हैं। मगर हैरानी की बात तो ये है कि सिर्फ डामर गिट्टी डालकर ये स्पीड ब्रेकर आज ही बनाया गया, मगर जब इसके ऊपर से गाड़ियों की आवाजाही शुरू हुई तो ये ब्रेकर खतरनाक रूप ले लिया, जिसके ऊपर से कार टेम्पो जाने की वजह से इस पे कार टेम्पो पलट भी सकते हैं और बाइक सवार जो है गिरने की वजह से बड़ी गाड़ियों की चपेट में भी आ सकते हैं, जिसकी वजह से उनकी जान जा सकती है। जिस तरह से थुकपट्टी लगाकर ये ब्रेकर बनाया गया, मनपा और पीडब्ल्यूडी विभाग पर सवाल उठता है कि मुंब्रा बाईपास रोड पर बने ऐसे ब्रेकर को उनके काबिल इंजीनियर और अधिकारी कैसे घटिया मटेरियल इस्तेमाल करके ये ब्रेकर बनाए हैं। ऐसा लग रहा है कि किसी को कुछ नहीं पड़ी है, बस लीपा पोती करके काम निपटा दिया गया है। ब्रेकर पहाड़ की तरह बना दिया गया मगर उसके ऊपर वाइट पट्टी भी नहीं लगाई गई, जिससे रात के समय ये ब्रेकर दिखाई गई। मगर जिस तरह से डामर गिट्टी डालकर आज ही ये ब्रेकर बनाया गया और इसके ऊपर से गाड़ियों की जो बड़ी गाड़ियां हैं, कार हैं, इसके ऊपर से जो गाड़ियां जाती हैं उसकी वजह से ये ब्रेकर काफ़ी टेढ़ा मेढ़ा हो गया और ख़तरनाक हो गया ये ब्रेकर। बहरहाल इस दौरान हमने लोगों से बात की है, उन्होंने क्या कहा है आप देख रहे हो। ये इतने गंदी तरीके से यहाँ से बनाया हुआ है या वो बिगड़ गया है, बनाया तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो इंजीनियर है थाने महानगर पालिका के का जो इंजीनियर है, ये इंजीनियर का मेरे ख्याल से उसकी डिग्री फ्रॉड है। अगर वो डिग्री के हिसाब से उसने अगर यहाँ पे बनाया है ये स्पीड ब्रेकर, तो ये अजूबा है, आठवां अजूबा पूरे वर्ल्ड का। 7 अजूबे तो हम लोग ने देखे हुए है। आपने देखा होगा कि अभी मेरी गाड़ी यहाँ पे फंसी हुई थी, मैंने जबरदस्ती करके गाड़ी यहाँ से निकाली हुई है। तो इसमें पहले ये पूछना चाहिए, इसका जो एसी है, सब इंजीनियर है, जूनियर इंजीनियर है, इसका एई असिस्टेंट इंजीनियर है या डिपार्टमेंट है, वो डिपार्टमेंट को पूछना चाहिए। और इधर का जो स्थानिक जो नगर सेवक है, विधायक है, उसको इसका जवाब देना चाहिए। खतरनाक हो चुके इस ब्रेकर को लेकर लोग काफ़ी सवाल खड़ा कर रहे हैं, जो अधिकारी हैं, जो इंजीनियर हैं, उनकी डिग्रियों पर भी सवाल उठा रहे हैं। बहरहाल अगर इस खतरनाक ब्रेकर की वजह से हादसा हुआ तो आखिर इसका जवाबदार कौन होगा। तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स।